कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अलग अलग अवतार में नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी दिल्ली में एक बाइक मैकेनिक की दुकान में देखे गए थे और अब वे खेतों में नजर आए। आज सुबह सुबह राहुल गांधी सोनीपत स्थित मदीना और बड़ौदा गांव में पहुंच गए और धान की रोपाई करने लगे। दरअसल राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश जा रहे थे और इसी दौरान वे रास्ते में सोनीपत के मदीना गांव के खेतों में जा पहुंचे, जहां पर धान की रोपाई चल रही थी। राहुल गांधी ने इस दौरान खेत में ट्रैक्टर से जुताई की और मजदूरों के साथ मिलकर धान की रोपाई भी की। राहुल ने वहां मौजूद किसानों का हाल जाना और खेती किसानों को लेकर बातचीत की। अपने बीच अचानक से राहुल गांधी को देखकर लोग भी हैरान रह गए। तो ये तस्वीरें उस दौरान के जब अचानक एकाएक राहुल गांधी किसानों के बीच जा पहुंचे। हमारे खेत में सवेरे 6:30 बजे करीब आ गए थे और ना हमने ये पता था कि भाई कोई बंदा आने वाला, हम तो यहाँ पे गोद लगा रहे थे, अपने पेड़ काट रहे थे। ये पुलिस वाले आए, हमने तो बाद में पता चला कि भाई राहुल जी आए हैं। फिर उन्होंने हमारे साथ खुद जुताई भी करी है ट्रैक्टर से और पौध भी लगाई है बंदे। देखिए राहुल गांधी जी मेरे हल्के गांव मदीना में आए, हमने पता चला, गांव वालों ने फोन किया, फिर पुलिस CID का फोन आया, गांव मदीना में राहुल गांधी जी आ रहे हैं। यहाँ का हमने देखा खेत में जीरे लगाने लग रहे हैं और गाड़ मारने लग रहे थे। बड़ा अच्छा लगा कि भाई किसानों की आवाज़, अगर इसको हम कहें तो इसमें कोई शक नहीं, किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आज राहुल गांधी जी आए हैं। और हम राहुल गांधी जी का यहाँ आने पर मैं हल्के पूरे हल्के की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको बार बार धन्यवाद करूँगा। लेकिन सिक्योरिटी पर बच्चे मिलने नहीं दिया जा रहा, आपको भी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, क्या करें? देखिए सिक्योरिटी का अपना मामला है, मिलने दो या ना मिलने दो वो सिक्योरिटी का काम है। हमने मिलने ना मिलने का कोई मारा वो भी नहीं है, अगर हमने मिलना है जरूरी है जो भी प्रोटोकॉल हो। लेकिन हमने सबसे बड़ी बात ये कि किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ आए, ये मैं बहुत बड़ी बात है। और कपिल संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कपिल, राहुल गांधी का एकाएक यहाँ पर पहुंचना, किसानों के बीच वो पहुंचे, एक अलग अवतार में वो नजर आए यहाँ पर, क्या कुछ रहा इस दौरान? जी बिल्कुल, देखिए अंजलि, आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जा रहे थे और उनका बाई रोड का यह प्रोग्राम था। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुठल क्रॉस किया, उनका एक प्रोग्राम बना और वे गोहाना के बड़ौदा के मदीना गाँव पहुंचे और वहाँ किसानों से मिले। इससे पहले वे उन्होंने खेतों का निरीक्षण भी किया और स्थिति का जायजा भी लिया। जब किसानों से उन्होंने उनकी समस्याएं भी जानी, उनसे बातचीत भी की किस तरह की फसल है, कैसे लगाई जाती है, तो इस दौरान उन्होंने वहां ट्रैक्टर भी चलाया और जो उसकी रोपाई भी किया और फिर किसानों के साथ खुद उन्होंने धान की जो फसल वो भी लगाई और किसानों से उनका हालचाल भी जाना है। इस दौरान जो कांग्रेस के विधायक हैं गोहाना से और बड़ौदा से, वहाँ उनको जो जैसे ही पता चला वे भी मौके पर पहुंचे, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर उनको भी काफी दूर रखा गया और जो साथ ही साथ लोकल जो मीडिया थी उनको भी सुरक्षा के मद्देनजर काफी दूर रखा गया। जी ठीक, कपिल बने रहिए आप हमारे साथ। तो दर्शकों को भी हम वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, राहुल गांधी, हर कोई हैरान रह गया क्योंकि राहुल गांधी इन दिनों अलग अलग अवतार में भी देखने को मिल रहे हैं। तो एक अवतार ये भी था कि अचानक से किसानों के बीच वो यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने धान की रोपाई भी की, ट्रैक्टर भी चलाया, किसानों से खेती को लेकर बातचीत भी की। तो आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ से वो शिमला जा रहे थे, लेकिन इस बीच वो सोनीपत में यहाँ पर रुके, उनका ठहराव हुआ और यहाँ पर वो किसानों के बीच पहुंचे और उनसे बातचीत की। आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक बार हमारे साथ लगातार बने हमारे संवाददाता कपिल भी, जो कि जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। कपिल, किसानों से क्या बातचीत यहाँ पर हुई, वो भी क्या किसानों ने सांझा की बात? देखिए, जो किसानों से बातचीत हुई उनका कहना है कि वह सुबह अपने खेत में फसल, धान की फसल लगा रहे थे, करीब 6:30 का टाइम था। इस दौरान जो लोकल पुलिस है और जो स्थानीय पुलिस है वहां पर पहुंची और जो किले में जो उनके गांव पर तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने देखा कि एक गाड़ी से राहुल गांधी उतरे और वो सीधे ही उनके खेतों में पहुंचे और उनके साथ उनसे बातचीत किया, उनकी समस्याएं जानी है, फसलों से संबंधित उनकी समस्याएं भी जानी है। और करीब 2 घंटे यहाँ किसानों के साथ रहे, उनके साथ फसल लगाई और किसानों के घर भी गए, उनके साथ नाश्ता भी किया है। जी, और उसके बाद साथ ही साथ जो गोहाना का रेस्ट हाउस है वहाँ पर गए और जो स्थानीय विधायक उनसे भी बातचीत की। कपिल, जाहिर तौर पर ये तस्वीरें भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी का अचानक से यहाँ पर किसानों के बीच आना और एक अलग ही अवतार यहाँ पर देखने को मिला। जाहिर तौर पर इस दौरान वहां पर कौन कौन मौजूद रहा, किसानों से भी आपकी बात हुई होगी, उन्हें कैसा लगा क्योंकि एकाएक राहुल गांधी को उन्होंने अपने सामने यहाँ पर देखा और न सिर्फ बातचीत की बल्कि धान की रोपाई भी करते नजर आए, ट्रैक्टर भी उन्होंने चलाया।
जी अंजलि देखिए आपको बता रही, राहुल गांधी एक अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं। वो काफी पिछले समय से पहले ट्रक में नजर आए, फिर वो बस में नजर आए, और हाल ही में दिल्ली में एक जो बाइक मैकेनिक है मोटरसाइकिल को रिपेयर करता है उसके साथ बाइक भी रिपेयर करते नजर आए, और आज जो गोहाना में पहुंचे किसानों के साथ उन्होंने खुद खेत में जाकर फसल भी लगाई, धान की फसल लगाई, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर एक जी चलिए लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है क्योंकि राहुल गांधी का एकाएक यहां पर किसानों से मिलना, और इस दौरान भी हमने इसे पहले भी देखा कि राहुल गांधी अचानक से ट्रक में भी वो सफर करते नजर आया जब वो शिमला के खासकर दौरे पर जा रहे थे, उस दौरान वो तस्वीरें भी हमने देखी वहां पर। लेकिन इस बीच आज ये जो तस्वीरें सामने आई है, राहुल गांधी एकाएक किसानों के बीच पहुंचे और सुबह सुबह बताया जा रहा है, जैसे किसान बता रहे हैं कि सुबह सुबह धान की रोपाई का काम चल रहा था और उस दौरान राहुल गांधी का वहां पर पहुंचना, किसानों के बीच वो पहुंचे, उनसे बातचीत की, साथ ही साथ उन्होंने धान की रुपाई भी की और खेतों में जाकर उन्होंने ट्रैक्टर भी चलाए, तो ये तस्वीरें जो है बहुत कुछ बयां कर रही है। फिलहाल राहुल गांधी का ये अवतार भी हर कोई देखकर चौंका है।